अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि पाकिस्तान में वॉल फायरी भी आ चुका है और वॉल फायरी के हवाले से अगर आप नहीं जानते तो सबसे पहले मैं आपको वॉल फायरी के हवाले से बता देता हूं। वॉल फायरी ये है कि भाई आप अपनी दीवारों को सजा सकते हैं वॉल फायरी के थ्रू, और वॉल फायरी में जो डिजाइन है वो टाइल्स में भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, टेक्स्चर में भी, प्लस वुडन में भी, और दुनिया के तमाम तर सीनरी डिजाइन भी मौजूद है इसमें। अब बात करते हैं भाई इसकी क्वालिटी के हवाले से, क्वालिटी जो है बहुत ही ज्यादा उम्दा है। और अब बात करते हैं भाई इसकी फिनिशिंग के हवाले से कि इसकी फिनिशिंग जो है कमाल की फिनिशिंग है भाई, इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और सबसे पहले आई होप मेरी वीडियो ही आपने वॉल फायरी के हवाले से देखी होगी, और वॉल फायरी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल होने वाला प्रोडक्ट है। इससे पहले आपने बहुत सारे मकबूल होने वाले प्रोडक्ट देखे होंगे, जैसा कि वॉल पैनल है, वॉल शीट है, और वॉल पेपर है, और इसके साथ साथ वॉल ग्रेस है, और इसके साथ साथ काफी वॉल के हवाले से काफी डिफरेंट जो चीजें हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट हैं वो पाकिस्तान में आई और काफ़ी लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा चुके हैं और काफ़ी लोग इसे उठाना चाहते थे लेकिन नहीं उठा सके क्योंकि इनके जो रेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट्स हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो है बेचारे सोचते ही रह गए हैं कि हम कब वॉल पैनल लगवाएंगे, कब वॉल पैनल लगवाएंगे, हमारे मेहमान घर पर आएंगे और देखेंगे वॉल पैनल। इन तमाम प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करें तो इन तमाम प्रोडक्ट्स को हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था, जैसा कि वॉल पैनल है हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मिडिल क्लास फैमिली के हवाले से बात करें, हाई क्लास फैमिली के हवाले से बात करें तो हाई क्लास फैमिली जो है इसे आसानी से अफोर्ड कर पाती है जबकि मिडिल क्लास फैमिली से अफोर्ड नहीं कर पाती। जबकि वॉल फायरी के हवाले से बात करें, 12x18 कमरे का एस्टीमेट मैंने लगवाया है भाई, जिस पर खर्चा आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपए। जी हाँ, 16,000 रुपए में आपका 12x18 का कमरा तैयार हो रहा है। और बात करते हैं भाई इसकी एक्सपेंसिव प्राइस के हवाले से, जैसा कि वॉल पैनल की प्राइस है उसकी प्राइस के हवाले से बात करें तो यही कमरा 1,00,000 रुपए तक आपका तैयार हो जाता है। और पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह की प्रोडक्ट अगर आपको मिल जाए तो ये आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मिडिल क्लास फैमिली के हवाले से बात करें तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप भी अपने घर को सजा सकते हैं, आपके जो ख्वाब थे वो अब पूरे हो चुके हैं, आपके जितने ज्यादा ख्वाब थे इंशाल्लाह ताला हमारे होते हुए वो पूरे होने वाले हैं। ये बेसिकली चाइना प्रोडक्ट ब्रांड है जो कि पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा मारूफ हो चुका है और आपको आम दुकान पे देखने को भी नहीं मिलने वाला क्योंकि ये बिल्कुल न्यू ब्रांड है। आप 3 से 4 वीक का वेट कीजिए या फिर 1-2 महीने का वेट कीजिए और उसके बाद ही मार्केट का विजिट कीजिएगा क्योंकि अब मार्केट में फिलहाल ये प्रोडक्ट मौजूद नहीं है और पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले 1 से 2 महीनों के दौरानिया हिस्से में ये बहुत जोरों शोर से फैलने वाला है और हर एक घर में ये आपको दिखने को मिलने वाला है। वॉल फायरी एक बहुत बड़ा चाइनीज कंपनी ब्रांड है जो कि पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में पहले से मकबूल है लेकिन पाकिस्तान में अभी आ चुका है। और यार ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है, जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि वॉलपेपर जो होता है 1,000 रुपए में एक दीवार का आपको देखने को मिल जाता है, टोटली 4 दीवारें होती हैं, टोटल लागत जो है आपको 4,000 आती है लेकिन यहां पर आपकी लागत जो है वो 16,000 रुपए आने वाली है, यानी कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है लेकिन आप इसे अफोर्ड भी कर सकते हैं। और वाटर प्रूफिंग के हवाले से बात करें, अक्सर मेरे जो भाई हैं वाटर प्रूफिंग को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं, कहते हैं कि भाई बच्चन किसी बच्चे जो हैं कहते हैं कि भाई बच्चे दाग लगा देते हैं अगर वॉश करना पड़ जाए तो ये खराब हो जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बच्चे चाहे किसी भी टाइप का दाग लगाते हैं, चाहे आप ब्रिक्स डिजाइन में खरीदना चाहते हैं, चाहे आप वॉल टाइल्स के हवाले से खरीदना चाहते हैं, वुडन डिजाइन में खरीदना चाहते हैं, बच्चे हाथ लगाएं या फिर कुछ भी करें, स्याही तक फेंक दें, इंक तक फेंक दें तो आप इजीली वॉश कर सकते हैं, शैम्पू की मदद से भी, साबुन की मदद से भी, किसी भी सर्फ की मदद से आप इजीली इसे वॉश कर सकते हैं, बिल्कुल वाटरप्रूफिंग है। तो आपको वाटरप्रूफिंग के हवाले से भाई घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब बात करते हैं, काफी लोगों के क्वेश्चंस हमेशा की तरह मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में आने वाले हैं, थिकनेस। जी हाँ, इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई वगैरह कितनी है, क्योंकि मोटाई को लेकर काफी लोग जो है काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि मोटाई होनी चाहिए भाई, किसी भी वॉल शीट वॉल पैनल की मोटाई होनी चाहिए क्योंकि सेम का जो खर्चा होता है, सेम की जो टेंशन होती है वो भी काफी लोगों को जो है परेशान करती है। अक्सर लोगों के घरों में सेम हद से ज्यादा होती है और
और दीवारों से रस रस का पानी आता है और आप जो भी वॉल ग्रेस वगैरह कुछ भी लगवाते हैं तो वो बिल्कुल खराब होकर रह जाता है। लेकिन यहां पर अगर बात करें भाई, बिल्कुल भी आपकी जो सेम वाली दीवारें हैं, चाहे वहां से जितना भी पानी बह रहा हो, लेकिन इसको वॉल फायरिंग को कुछ भी नहीं होने वाला और आपके रूम को भी कुछ नहीं होने वाला। थिकनेस मैं आपको बता देता हूं, 1.5 mm की थिकनेस है, यानी कि मोटाई है, और ये कोई आम मोटाई नहीं है। इतने कम प्राइस में, बजट प्राइस में आपको मिल रही है, बहुत ही जबरदस्त। एक्सपेंसिव है लेकिन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि भाई अगर आप घर सजाना चाहते हैं तो वॉल फायरिंग का यूज कीजिए। पूरे पाकिस्तान में हद से ज्यादा वॉल फायरिंग आने ही वाला है। एक महीने का जस्ट वेट करिएगा, मैं आपको बताइए शॉप पर जाकर वॉल फायरिंग का विजिट करवाऊंगा। इसकी जो लेंथ प्लस हाइट आ रही है वो 9 feet by 8 feet आ रही है, यानी कि 9 feet लंबा है, 8 feet चौड़ा है। तो ये साइज इसका जो आम देखने को मिलता है वो भी है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे वेरिएंट साइज इसके आने वाले हैं जो कि आपको नजर आने वाले हैं। कुछ साइज अलग होंगे, कुछ साइज अलग होंगे, यानी कि आपके कमरे के हिसाब से एडजस्टमेंट साइज भी हो सकते हैं। कोई भी साइज आप खरीदना चाहते हैं तो कीमत जो है बिल्कुल मुनासिब है। 16,000 रुपए में जो मैं एस्टिमेट मैंने आपको लगवाकर बताया है, ये बिल्कुल रियलिटी है, ये बिल्कुल रियल एस्टिमेट है। और आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।